अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो एक बार और हाजिर हो चुका हूँ मैं एक नई वीडियो और नए दिन की शुरुआत। और आज दिन जुमेरात का है और मैं अभी ऑनलाइन तो एक्चुअली नहीं हुआ हूँ, बट आप लोग टाइम जो है ना वो देख सकते हो। 8:18 हो चुके हैं और दिन से आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ, लेकिन कल तो अपना दिन हो गया था ख़राब। ख़राब मीन्स क्या है, गाड़ी ले रहा हूँ, अब फिक्स हो गया है मेरा XL6 और उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए कल मैं जो है ना आधे दिन मतलब दो ही बुकिंग मैंने मारा, बॉम्बे गया और बॉम्बे से रिटर्न आया, बस उतना ही किया। और बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करके मैं शोरूम में जमा कर चुका हूँ इंश्योरेंस फाइनेंस के लिए, फाइनेंस वाले को दिया। अभी देखते हैं आज या कल में पता चल जाएगा अपना फाइनेंस हो जाएगा। उम्मीद तो 90% होने की है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। और गाड़ी मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 10 दिन के अंदर गाड़ी चाहिए जल्द से जल्द, तो मैडम ने बोला कि ठीक है आप टेंशन मत लो। अच्छा, ये मैडम प्रीति नायक सा जो शोरूम है, मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, इनका काम मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब अच्छा काम करते हैं लोग, जो बोलते हैं ना, जो जबान आपको एक बार दे दी गई है उसी पे कायम रहते हैं, उस पे काम करके देते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी दो गाड़ी इनके पास से ले चुका हूँ और ये तीसरी गाड़ी है, तो ये जबान के बहुत पक्के हैं, जो कि अच्छी बात है। फालतू एक्स्ट्रा नहीं बोलते, जो बोलते हैं वही किया है मेरे साथ अभी तक दोनों गाड़ी में। अब तीसरी गाड़ी उनके पास से ले रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं क्या होता है, जो बोलते हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे देखते हैं। तो 25 तारीख तक मेरे को गाड़ी देने के लिए बोला इन्होंने, 17 सात आठ दिन है, 8 दिन। अब ये 8-9 दिन में काम हो पाता है या नहीं, या किस वजह से लेट होता है वो भी आपको बताने वाले हैं। वैसे दुआ करो कि लेट नहीं हुए तो अच्छा है, जल्द से जल्द गाड़ी आ जाए, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, दीपावली के सीज़न में अच्छी बुकिंग इंटरसिटी मिलती है, लोग गाँव को जाते हैं सब जगह। तो चलिए फिर अभी निकलता हूँ यहाँ से, ऑनलाइन हो जाता हूँ। आज CNG भराने की ज़रूरत मेरे को नहीं है, CNG गाड़ी में कल की भराई हुई है, आधी से ज़्यादा है, इसके लिए अभी CNG भराने की ज़रूरत नहीं है। दिन में कभी किसी भी टाइम भराएंगे, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की, क्योंकि कल का एक दिन ख़राब अपना हो गया और शायद कल फ्राइडे है तो कल भी अपनी छुट्टी रहेगी। चलिए फिर, तक भी बुकिंग नहीं आई है भाई, ये देखो प्रशांत कॉर्नर के पास बैठा हूँ मैं, खारघर सेक्टर 35 के इधर ही बैठा हूँ। 9 बज चुके हैं और डिवाइस ऑनलाइन है बट बुकिंग अभी तक आई नहीं है। सोच रहा हूँ यहाँ से भी है ना अभी आगे बढ़ के थोड़ा चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बुकिंग नहीं आ रही है। उबर गो मैंने किया हुआ है बंद, ये देखो उबर गो बंद किया हुआ है भाई, बाकी सब चालू है। गो सेडान तो बंद हो नहीं सकता है, ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो देखता हूँ अभी कहाँ की बुकिंग आती है, बताता हूँ आपको। वैसे एक पर्सनल बुकिंग आने वाली थी लेकिन वो शायद मना हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो इसके लिए मैंने फिर से डिवाइस चालू कर दिया, 15-20 मिनट बंद किया था। ठीक है, चलिए फिर। मैंने ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर निकल के देखेंगे, अभी तक तो कोई बुकिंग आई नहीं है, बट कहाँ की आएगी पता नहीं, जहाँ भी आएगी आपको बताएंगे। अभी 720 का अर्निंग हुआ है। अरे भाई, बैठे बैठे आ रहा है कंटाल, 15-20 मिनट हो गया है मेरे को ड्रॉप करे हुए, और मैं सोच रहा था भाई कोई अच्छी बुकिंग मिल जाएगी तो फटाफट लोअर परेल से निकल जाऊंगा। देखो लोअर परेल का ब्रिज है यहाँ पे, उर्मी बिल्डिंग है ना, ये पीछे की तरफ आपने देखा होगा, यहाँ पे उर्मी बिल्डिंग है। यहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया अंधेरी वेस्ट से, लाया अंधेरी वेस्ट कोकिला बैन पे मैंने ड्रॉप किया था दूसरा ड्रॉप, और वहाँ से खाना खाया, मैं खाना ही खा रहा था मैं, और खाना फिनिश भी नहीं हुआ, मैंने जैसे ही चालू करा तुरंत मेरे को यहाँ का आया, तो मैंने फटाफट अपना खाना खा के पिकअप किया कस्टमर को और ड्रॉप किया यहाँ पे। 15 मिनट हो गया। अच्छा, टाइम ये देखो आप लोग, 3:15 जो है ना वो बज चुका है और मैं अभी लोअर परेल। अर्निंग ये देखो भाई, कोई ख़ास नहीं हुई बट ठीक है, जितनी भी हुई है हो गई है भाई। अभी काफ़ी टाइम बाकी है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट लगी थी बुकिंग, 8:30 बजे मैं निकला था लगभग, और 9:30 बजे मुझे बुकिंग वहाँ से लगी थी 1 घंटा बैठने के बाद। तो मैंने जो पहली बुकिंग जो लगी थी ना आप मेरे को, वो लगी थी गो सेडान में, ये उर्मी के पास की, यहीं पे लगी थी पहली बुकिंग। फिर यहीं से मेरे को मैं यहाँ से कहाँ गया था गाइस, परेल दादर की तरफ मैंने पिकअप किया था अंधेरी वेस्ट, फिर अंधेरी वेस्ट में मैंने कोकिला बैंड पर ड्रॉप करके यहाँ का मिला तीसरा। अभी 15-20 मिनट से यहाँ पे बैठा हूँ, बुकिंग नहीं है और
काम की हालत भी थोड़ी डाउन सी लग रही है मेरे को। एक बुकिंग आई थी बट फट से गायब हो गई, एयरपोर्ट की थी, आई और मुंह दिखा के चली गई। दर्शन ये देखो फिर से आई है, अंधेरी ईस्ट या अंधेरी ईस्ट, चलो ले लेता हूँ। 15 किलोमीटर 252 मिल रहा है, ठीक ही है, फिर वहाँ से कुछ और देख लेंगे भाई, नहीं तो बुकिंग जो है ना फिर यहीं पर बैठना पड़ जाएगा। तो इसके लिए जो भी मिले अपने को उस पर शुक्र करके काम करो। चलिए फिर मैं आपको जो है ना बताता हूँ आगे का, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे मेरी। चलो भाई अंधेरी में हो गया अपना ड्रॉप और फिर से आ चुकी है एक बुकिंग, और ये बुकिंग कहाँ की है मैं आपको पहुँचने के बाद बताता हूँ। तो देखो अंधेरी हाईवे पर ईस्ट में ही हूँ मैं, बराबर अंधेरी ईस्ट में हाईवे पर ही हूँ, और कस्टमर ने फ़ोन किया कि मैं हम लोग आ रहे हैं अभी, आप उधर ही रुको, ये सर्विस लाइन सर्विस रेट बोल रहा हूँ सॉरी, अंधेरी ईस्ट में फ्लाईओवर के बाजू में ही जो ये सर्विस सेंटर है ना मारुति का, यहाँ पे कस्टमर ने बुकिंग किया है और अच्छा पैसा दिखाया, ठीक पैसा दिखाया। कितना मिलेगा इसमें आपको मैं पहुँचने के बाद बताता हूँ। अरे भाई मज़ा आ गया, क्या बुकिंग लगी है ना, टाइम देखो पहले आप लोग, 8:09 हो गए हैं और ऐसी बुकिंग लगी है मेरे को। आज तो मेरे को लग रहा था मैं फंस गया हूँ, बट ऐसी बुकिंग लगी ना धड़ाधड़, 4 बुकिंग, काम अपना एकदम फिटोस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई 3497 का हो गया है। और मैं बताता हूँ आपको, पैसे जो उबर ने आज दिए ना मेरे को, बहुत दिन के बाद इतने अच्छे पैसे दिए। ये देखो, ये जो मैंने अंधेरी से बोरीवली की बुकिंग लिया था ना वेस्ट की, 17.5 किलो 7.476, ठीक है, फिर उसके बाद 11 किलोमीटर 424, फिर उसके बाद 3.5 किलोमीटर 453, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर 463, ये देखो 463, 453, 424 और 447। ये जो बुकिंग लगी है ना भाई, बस इसमें मेरा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, और धोती फाड़ के रुमाल हो गया, ठीक है। अभी मैं ना पवई में हूँ, पवई से कोई बुकिंग नहीं लगी है, देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, बताता हूँ आपको। 8:11 जो है ना वो हो गए हैं। चलो भाई पहुंच गया था फाइनली घर पे, ये देखो नाच रही आयजा, ये देखो हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, देखो मतलब इसको ना मस्ती करने को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो गाइस घर पे पहुंच गया था मैं, मैंने लास्ट ट्रिप जो है ना पवई से ड्रॉप किया कस्टमर को सिलफाटा 9:45 को, तुरंत मतलब फटाफट मिल गया और 55 मिनट में वहाँ पहुँच गया मैं, और 9:45 को मैंने ड्रॉप किया सिलफाटा। 25 मिनट मेरे को घर पे आने में लगी, मतलब लगभग 10:10 या 15 मिनट पे मैं 10:10 पे मैं पहुंच गया घर पे, और खाना भी ना खा के एकदम हो गया हूँ फिटम फाट, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। तो आज की जो अर्निंग भाई क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी फटाफट अर्निंग बनी और इतनी अच्छी बनी, बहुत ही गज़ब, मतलब 3880 रुपया बना, मतलब 3900 एकदम फटाफट 12 घंटे में। मतलब पहली बुकिंग लगभग मैंने 9:30 या 10:30 उठाया था 10 बजे के टाइम पे, और 9:45 को लास्ट बुकिंग ड्रॉप किया, 12 घंटे में 3900 रुपये भाई, रियलाइज़ नहीं हो रहा है मेरे को, इतनी फास्ट अर्निंग बनी। मतलब लास्ट की 4 बुकिंग जो लगी ना फटाफट 45 मिनट में 4 बुकिंग छोड़ा 500 रुपये में, गज़ब हो गया। मतलब 100 किलोमीटर भी उसमें मुश्किल से 50-60 किलोमीटर गाड़ी चली और 2000 की अर्निंग उसमें मेरी बनी है 1900 रुपये की। तो गाइस आज का काम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।